स्टैंडर्ड आइट यूनिट 5 ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1 यूनिट का नाम है व्हाट्स द एविडेंस। एक्टिविटी 1 रीड द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम रीड कीजिए द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अबाउट दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेड कि ये पोएम के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट इट्स अ ट्रिकी पोएम कि उन्होंने खुद ही कहा है कि आपको ये पोएम जब पढ़ते हो तब ये केयरफुल रहना है क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी पोएम है। वेरी ट्रिकी बहुत ज़्यादा ट्रिकी पोएम है। सो रीड केयरफुली सो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये देखिए इसमें पिक्चर है। फ्रॉस्ट शॉर्टली बिफोर द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1916। दिस इज हाउ द पोएट लुक्ड व्हेन ही रोट लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड कि देखो ये कैसे लग रहे थे ये। उन्होंने 1916 को ये पोएम थी वो पब्लिश की थी तब वो कैसे लग रहे थे। फिर ये दूसरा पिक्चर है फ्रॉस्ट एजिस एंड एजिस हैंड्स। फ्रॉस्ट खुद कहते हैं कि सालों के सालों बीत गए हैं। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता उसके नीचे अंडरलाइन करना है और आपकी रफ बुक में है वो सारे वर्ड्स है वो नोट डाउन करके आपको रखने हैं ठीक है। और उसके बाद में मीनिंग्स है वो डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके लिखने हैं। तो अभी ये आपको अंडरलाइन करते जाना है। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड यानी कि जो ऑथर है वो एक फॉरेस्ट के पास से जा रहे हैं। वहाँ पर टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड यानी कि फॉरेस्ट है आजू बाजू ऐसे के तो वहाँ पर येलो जैसा दिख रहा है तो दो रोड्स है वो वहाँ पर डाइवर्ज्ड यानी कि अलग हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ कि मैं सॉरी हूँ कि मैं ये दोनों के दोनों रोड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड एंड बी वन ट्रैवलर और एक मुसाफर हूँ मैं लॉन्ग आई स्टूड जितना भी मैं खड़ा रहता हूँ लंबे समय तक एंड लुक डाउन वन एज फार और एक रास्ते को जितना भी दूर तक देख सकूँ देखने की कोशिश करता हूँ मैं। टू वेन इट बेंट इन द अंडरग्रोथ कि वहाँ पर बहुत सारी अंडरग्रोथ यानी कि झाड़ियाँ हैं जो ट्रीज होती है उसके आजू बाजू ऐसे ही जो उग जाती है ना झाड़ियाँ वो तो वो बेंड होके मुझे दिख रही है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर कि दूसरे रास्ते की तरफ भी देखता हूँ तो वो मुझे फेयर लगता है वो रास्ता भी। एंड हैविंग परफेस द बेटर क्लेम और लगता है कि ये रास्ता है वो अच्छा लग रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी क्योंकि वो रास्ता है वो ग्रासी यानी घास से भरा हुआ है एंड वॉन्टेड वियर जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। दो एज फॉर देट द पासिंग देर कि वहाँ से जब मैं पास होता हूँ निकलता हूँ हेड वॉन देम रियली अबाउट द सेम तभी मुझे ये सारे ख्याल आने लगते हैं। एंड बोथ देट मीनिंग इक्वली ले लेकिन बोथ देट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक और सुबह होने लगती है और मैं देखता हूँ इन लीव्स जो पत्ते हैं नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक कि पूरे के पूरे काले तो नहीं हो जाते हैं मैं चलता रहता हूँ। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे मुझे लगता है कि मुझे ये दूसरा रास्ता है वो कुछ दूसरे दिन के लिए रख देना चाहिए। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि मैं जानता हूँ कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा फिर भी आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक मुझे ऐसा शक्यता लगती है कि क्या मैं वापिस आ जाऊँ आ सकता हूँ इस रास्ते से। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय और मैं अपने आप को निशासा देता हुआ बोलता हूँ समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स यानी कि कहीं पर बरसों के बरसों बीते जा रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड दो रास्ते
फॉरेस्ट में अलग अलग रास्ते पे जा रही है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, लेकिन तू एक रास्ता है जिसमें मैं कम ट्रैवल करता हूँ। एंड देट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से ये सब होता है। तो पूरी पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें ये पता चलती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भी दो सिचुएशन आती है। हमको पता भी होगा कि ये सिचुएशन में जाने से मेरा बुरा होगा या ये होगा, लेकिन हम फिर भी वो सिचुएशन चुनते हैं और दूसरे रास्ते पर भी जाने की हमको इच्छा होती है। इस तरीके से ये ट्रिकी पोएम है कि हमारा जो माइंड है वो अलग अलग सोच रखता रहता है। हमको वहाँ भी जाना होता है, वहाँ भी जाना होता है, लेकिन जो एंड में कहा कि आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, यानी कि एक जो रास्ता है वो जिस पर मैं बहुत कम चला हूँ, एंड देट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से ये सारी डिफरेंस होते हैं, सारी जो हमारे लाइफ के ऊपर जो असर होती है वो इसी की वजह से होती है। वो ये बात कर रहा है कि हाउ हिज डिसीजन वॉज फाइनल इन लाइफ चेंजिंग, कैसे उसका डिसीजन है वो फाइनल हुआ और लाइफ चेंजिंग भी हुआ। आपको ये होमवर्क में पूरी पोएम रीड करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपकी रफ बुक में नोट डाउन करके उसके जो मीनिंग्स है वो आपको रफ बुक में डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके लिखने हैं, ठीक है? डू योर होमवर्क रेग्यूलरली।